गांव की गांव सभा मजबूत होगी तभी सभी को वन अधिकार मिल सकेंगे। उपायुक्त जनजाति विकास विभाग आदिवासी विकास ने आयोजित किया सामुदायिक वन अधिकार पर जनसंवाद। फलाशा का पानरवा क्षेत्र, फुलवारी की नाल, वन्य जीव अभ्यारण्य व उसके आसपास के 12 के करीबन पंचायत है जहां व्यक्तिगत व सामुदायिक दावे मान्य किए जाएंगे। यह बात आदिवासी विकास मंच द्वारा आयोजित जनसंवाद में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के उपायुक्त पर्वत सिंह चुंडावत ने कही। मंच में सरफराज ने बताया कि फलाशिया के पानरवा वन अधिकार की प्रक्रिया कमजोर है, उसे तेज करने के लिए अधिकारियों व समुदाय के बीच जनसंवाद आयोजित किया गया। इस जनसंवाद में फलाशिया के 300 से अधिक महिला पुरुषों ने भागीदारी की। फलाशिया के विकास अधिकारी अशोक कुमार ढिंडोर ने बताया कि जो भी व्यक्तिगत दावा ग्राम पंचायत में जमा करवाएगा उसके दावे के जल्द निस्तारण होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सभी वाजिब दावेदारों को अधिकार पत्र मिलेगा। राजस्थान आदिवासी अधिकार मंच के संयोजक धर्मचंद खेर ने कहा कि जो गलत तरीके से दरावण पंचायत में नए जंगलों में कब्जे हो रहे हैं उन्हें तुरंत रोका जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पानरवा में कुल 950 व्यक्तिगत दावेदार हैं, उसमें से 285 अधिकार पत्र मिले हैं, अतः बकाया को तुरंत दिए जाए। जंगल जमीन जन आंदोलन में मांगीलाल गुज्जर ने कहा कि साक्ष्यों की कमी को बताकर दावेदारों के दावे निरस्त किए जा रहे हैं, जबकि लोग बुजुर्गों का शपथ पत्र पंचनामा ला रहे हैं। आदिवासी महिला जागृति के सोहनलाल गमेती ने कहा कि गिरवा जाड़ोल फलैशा में 43 सामुदायिक वन दावे जमा करवाए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है, इसे शुरू करवाया जाए। आदिवासी विकास मंच के संयोजक बाबूलाल गमर ने कहा कि वनाधिकार की जो प्रक्रिया बिखरी हुई चल रही है उसे ठीक किया जाए। इसके साथ ही संवाद में वन उत्थान के कीर्तन कुमार, FES के महिपाल सिंह, लक्ष्मीलाल मीणा, पूर्व सरपंच पानरवा लालूराम खातुदास, धरावण के शांतिलाल ने भी बात रखी। कार्यक्रम का संचालन नानादास बगुरा ने किया, वही उक्त जानकारी धनराज ग्रेशर ने दी। वन अधिकार समिति के माध्यम से सारी दावे वहां जमे और वहां से फिर विभागों का काम हो जाए, फिर उपखंड स्तरीय कमेटी में बीडो साहब के पास वो फाइलें चल जाए, तो वो काम उस वे में हो नहीं पा रहा है। उस वजह से कुछ दावेदार अभी भी बाकी है। एक मुद्दा यहाँ पे जो खासतौर से अभी निकल के आ रहा था, और भी मेरे साथी बात करेंगे, मैं थोड़ा ओवर व्यू रख रहा हूँ कि पट्टे मिलने के बाद क्या, तो वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। लोग अभी भी परेशान है, उनके आवास वगैरह को लेके राजस्व न्यूट्रिशन नहीं खुल पाए, तो उस वजह से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। उनके वहां खेती सुधार के काम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पटवारी यहाँ पे रखी है, हमारे साथ में नानादास जी है, वो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे कि मूल समस्याएं यहाँ की क्या है, और फिर हम आगे और बात करेंगे।